ब्रेक के बाद स्वागत है आप मन के खबर छत्तीसा मा। प्रतापपुर के ग्राम घुई मा एक व्यक्ति ल टांगी मार के हत्या करे के कोशिश करे गई। दरअसल ग्राम घुई निवासी गोपाल राम यादव बिहनिया देवारी तिहार के कारण घर छबाई बर शासकीय प्लांट में लगे प्लांटेशन में माटी खुदाई करे गए रहीस। गोपाल अपन दोस्त सुरेश संग बात करत रहीस, तभे झाड़ी में पहली ले छुपे गांव के ही राम नारायण यादव अज्ञात कारण ले पीड़ित के ऊपर टांगी ले हमला कर दीस, जेकर ले गोपाल के गर्दन के ठीक नीचे दाया कंधा में वार कर दीस, जेकर कारण पीड़ित उहे बेहोश होके गिर गईस। पीड़ित के घर वाला मन और आसपास के लोगन तत्काल थाना रमकोला ले गई, जिहां ले ओला इलाज बर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर में भर्ती कराई गई और इलाज जारी है। दूर की बात है, करीबन 6 बजे आसपास की, तो जो आहार थे तो उनके द्वारा जो बताया गया है कि नहीं मैं काम करने के लिए गया था, तो पीछे से शायद आया और क्या है किस मकसद से मारा तो पता नहीं है, लेकिन बहुत से टांगी उठाकर उसके पीछे और मतलब हत्या के मकसद से कि पता नहीं क्या के मकसद से मारा है, लेकिन चोट बहुत ज़्यादा ज़्यादा लगा। चोट को देख कर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जान से मारने की कोशिश कर रहा था ऐसा, और काफ़ी गंभीर चोट आया है। हाँ अच्छा, तो आगे इस मामले में विवेचना कर कार्रवाई किया जाएगा। हाँ इसमें तो विवेचना कर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा ठीक, इसके बाद छापने के लिए मिट्टी खोद रहा था, बगल में शासकीय जमीन है प्लांटेशन, उस जमीन को खोद रहा था, तब तक राम नारायण पहुँचा, उसके बाद बोल रहा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं मिट्टी खोद रहा हूँ, इसके बाद टाइम से उपाया मार दिया, इसके बाद तो मैं आवाज़ लगाई तो कई मेरे को तो काट दिया आराम बनाए, उसके बाद दौड़े वहाँ उतर दिया, इसके बाद चप्पल भी अपना छोड़ दिया। तो आप लोग का पहले से भी कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था क्या? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था मेरा, बस मतलब मिट्टी खोदने के, मिट्टी खोद रहा था, उसमें मेरे पिताजी लोग भी मिट्टी खोदे हैं, मैं भी खोद रहा था, 200 साल से मिट्टी खोद रहे हैं। क्या नाम है जो मारा है उसका? राम नारायण पिता, वो पंडित जी हैं? हाँ चंदन यादव, यादव है। अच्छा तो अभी कैसा है आपका तबीयत? अभी कुछ मेरा तबीयत दर्द बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और थाने में FIR वगैरह? हाँ वहाँ सूचना दिए हैं, रिपोर्ट वगैरह अपने ही हुआ था, कल दवा करवा दीजिए, बोले तो जाओ दवा करवा लो, उसके बाद फिर आते हैं रिपोर्ट करवा लेंगे।